माता की जय। नीचे को बैठी है बेचारी का चला एक तो मर गई अभी है नहीं कोई अभी आए नहीं कोई मतलब वो उसके लिए ले जा रहा था भोसड़ी का मेडिकल करवा लो भैया देखो तो अरे अंदर की थोड़ी जल्द आ लो हेलो अरे इधर खड़ा हो जाओ अरे जक्कू ला नहीं लेता कहाँ अरे उसकी गाड़ी पे कहाँ यार जक्कू है ये रहा नमस्ते भैया नमस्ते अरे ये रहा अरे चाकू किसके पास था यार इधर हूँ मैं यार यार गौशाला में यहाँ पर इसके पास में होगा चाकू अरे करने का पानी पिला देंगे इधर आई साइड का भी बताइए भाई साहब आप सबसे अभी शंकरगढ़ की गौशाला पे आए क्या मामला है दो दिन पूर्व दो गाड़ी पकड़ी थी रात को 9:30 बजे उसके अंदर 16 गोवंश थे आज दिन में फिर सूचना मिली संगठन को कार्यकर्ताओं को तो बाईपास से भोपाल रोड बाईपास से एक गाड़ी वाहन पकड़ा गया है MP13 पासिंग है इसमें भी 13 गोवंश मिले हैं दो की हालत थोड़ी गंभीर है उनका मेडिकल होगा और जो ड्राइवर संचालन कर रहे थे उनका भी मेडिकल होने के लिए गया पर ये जो देवास में जो घटनाएं हो रही है 15 दिन के अंदर कम से चौथी पांचवी सातवीं घटना है गाय काटने की घटना है गो तस्करी घटना है इतने बड़े पैमाने पर हो रही है समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है सबको चैलेंज है ये शासन को भी चैलेंज है हिंदू समाज को भी चैलेंज है और आगे क्या चाहेंगे भाई साहब आगे अपन तो यही चाहेंगे कि ये गो तस्करी रुके ये गो माता हमारी आस्था है हिंदू समाज की आस्था हमारी आस्था से और कब तक खिलवाड़ होगा अब पानी सिर से ऊपर चला गया है अब इसका जवाब हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हम समाज को बताना चाहेंगे जिस पृथ्वी माता पर हम हैं ये स्वयं गौ माता का रूप है इसीलिए अधिक से अधिक गौ माता की सेवा करें बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन हो बहुत जल्दी बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा इस विषय में आपका नाम भाई साहब मेरा नाम रमेश कौशल जिला गौरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद जय श्री राम जय श्री राम।